खुद पर लगे आरोपों से दुखी हैं विकास गुप्ता। क्या करने वाले हैं विकास सभी का पर्दाफाश? फिर कौन सी बात ने किया विकास को इतना अपसेट और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता अपने रीसेंट वीडियो के कारण खबरों में आ गए हैं। इस वीडियो में वो काफी इमोशनल नजर आ रही हैं। वो बोलते बोलते काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। दरअसल एक 14-15 साल के बच्चे ने उन पर वीडियो बनाया है और उन्हें बुरा इंसान बताया है। ये देखकर विकास को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो चीजें क्लियर करना चाहते हैं। वीडियो में विकास कहते हैं, एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा, वो बोल रहा था कि विकास गुप्ता बहुत ही नीच आदमी है और वो बुरा इंसान है, गंदी चीजें करता है। तो मैंने सोचा कि 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातें आ सकती हैं, तो बाकी लोगों के दिमाग में भी आएंगी। मैं अगर किसी को बताऊंगा ही नहीं कि क्या हुआ, तो सभी ये सोचेंगे कि मैंने बहुत गलत चीजें की होंगी, इसीलिए जरूरी है कि मैं बताऊं। इंसान के तौर पर मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं अच्छा हूं और मैंने बहुत अच्छी चीजें की हैं। बस यही है कि मेरी जिंदगी में लोग बहुत गलत आए हैं। अब मैंने निश्चित किया है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले कुछ सालों से जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत ही अजीब है, ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है। अब मैं किसी से डरूंगा नहीं, बहुत डर लिया। उन सभी को सामने लाऊंगा जिन्होंने मेरे जीवन को नरक बना दिया। वीडियो के कैप्शन में विकास ने लिखा, कभी पीछे नहीं हटना जब तक मेरे अंदर कुछ बचा नहीं हो, भले ही मैं अकेला हूँ। उन लोगों ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। मेरे बारे में अफवाहें फैलाने से लेकर मुझ पर लड़के को मारने तक का आरोप लगाकर करियर को तबाह करने के लिए छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मैं एक एक करके उन लोगों को सामने लाऊंगा और अगर ये सच है तो मैं जेल जाने लायक हूँ और अगर नहीं तो क्या। आपको बता दें, विकास गुप्ता पर प्रियांक शर्मा, शिल्पा शिंदे, पार्थ समथान जैसे एक्टर्स ने आरोप लगाए थे। वेल, आपको विकास के इस पोस्ट के बारे में क्या लगता है? पोस्ट करिए अपनी राय और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली मसाला।